सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो मैं वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूँ, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी की अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। बट सबसे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो का कमेंट बॉक्स में अभी आपको जाना है, ठीक है? और वहाँ पर जाने के बाद आपको करना क्या है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जाकर के मेंशन कर देना है, ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए, अगर आपने ITI कर रखा है तो कौन से ट्रेड के अंदर कर रखा है वो डाल देना। अगर आपने VVTech कर रखा है तो कौन से ब्रांच के अंदर कर रखा है वो डाल देना, ठीक है? अगर आपने 10th 12th कर रखा है तो कौन सी ईयर में कर रखा है वो ईयर ऑफ पासिंग जरूर से डाल देना दोस्तों, ठीक है? जैसे कि क्या होता है कि मुझे वहाँ पे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और किस ईयर में आपने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पास आउट किया है। तो आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको एक आपको जो जानकारी दे दूं कि मैं यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि 11 बजे तक आपको वीडियो लाने की, ठीक है? अब से मैं रेगुलर यहाँ पे 11 बजे तक आपको वीडियो ला लेकर के आऊँगा। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ऑलरेडी और उन्होंने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक नहीं किया भाई, तो यहाँ पे जरूर से जो है ऑल पे क्लिक करके रखना, ताकि जब भी कोई मेरी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ऑल पे घंटी वाला जो बटन होता है उसको ऑल पे जरूर करके रखना। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे जो आप अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे सैलरी भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? साथ ही साथ फ्रेशर है ना तो भी आपको बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो मिनिमम एज रखी गई है वो यहाँ पे 18 ईयर होनी चाहिए, ठीक है? आपकी यहाँ पे आप देख ही पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे 45 ईयर तक आपकी एज जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, जिसमें आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना होगा, ठीक है? 0 शुल्क रखा गया है, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ये सबसे अच्छा मौका निकल कर आ रहा है दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने दोस्तों ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन BVTech कर रखा है, उन लोगों के लिए, ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मिनिमम जो सैलरी रखी गई है, देख सकते हो, 19,500 रुपये प्रति माह आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे रूम की व्यवस्था हो गई, ठीक है, और भी कई सारे बेनिफिट्स हो गए वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, ठीक है ना? तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। और चलिए मैं आपको यहाँ पे आगे पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कैसे जो आवेदन करना आएगा और किस तरह से यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है मांगी गई है, ठीक है? चलिए दोस्तों पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो गाइस चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप दोस्तों आपने यहाँ पे ITI कर रखा है तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको आवेदन करना होगा, ये जानकारी मैं आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड देख ही पा रहे होंगे, दिल्ली मेट्रो रिक्रूटमेंट ITI 2023 दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आउट करी गई हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। ये जो फॉर्म भरना होगा आपको थ्रू ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना होगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो कि आपको किस पते पर भेजना होगा वो भी मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। 155 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, इसमें एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहना, देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे देख जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकली हैं उसमें आप जल्दी से फॉर्म भर दें, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं। परमानेंट वैकेंसीज यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी और ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। क्वालिफिकेशन देख सकते हो जो कि मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन मोड जो रहेगा ऑफलाइन के वेस्ट पे रहेगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट देखने को मिलेगी आपको 28 मई, और यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप वो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और जिनकी क्वालिफिकेशन ITI ग्रेजुएशन और डिप्लोमा है तो। एंड यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो भी पोस्ट नेम निकल कर आ रही हैं वह पोस्ट नेम आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी मांगी गई है और यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है? टिकट काउंटर की पोस्ट है, स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट है,
जीएम इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, ठीक है, सुपरवाइजर की पोस्ट है, टोकन ऑपरेटर की पोस्ट है, और भी यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है। तो ये काफी अच्छी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोस्ट पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट देख सकते हो 155 देखने को आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे दोस्तों आपकी एज लिमिट जो रखी गई है, वो एज लिमिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 ईयर तक होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी चेकआउट भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड क्या है, तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी टाइप का तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे आपको मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख ही पा रहे होंगे जिसमें ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BE, BTEC अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको देखने को मिलेगा वो बेस्ड ऑन देख सकते हो इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वैकेंसी देखनी है तो आप इसके लिंक पे क्लिक करके आप ऑफिशियली जो वेबसाइट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 0 शुल्क रखा गया है, ठीक है। SC ST एंड PH एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हो तो यहाँ पे 0 शुल्क रखा गया, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। एंड साथ ही साथ इसकी इंपोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे 2/5/2023 को हो गया था, जिसकी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगी फॉर्म सबमिट करने की, ठीक है, वो देखने को मिलेगी 28/5/2023, ठीक है। इस ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका लिंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे कैसे अप्लाई करें वो आपको पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पे बता दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको जो अप्लाई यहाँ पे करना होगा। तो गाइज देखिए अप्लाई करने का सिंपल सा बहुत ही इजी तरीका है। आपको करना क्या होगा, आपको आना गूगल पर, और गूगल पर आओगे, गूगल पर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च बार का ऑप्शन जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, इस सर्च बार के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जो है टाइप कर देना होगा ऑनलाइन जॉब तक, जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे सर्च किया, सर्च करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो, और आपको फर्स्ट स्टेप पर ही आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या आया दोस्तों, यहाँ पे ये इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक तो आपको डायरेक्टली अप्लाई का प्रोसेस देखने को मिल जाता है, अप्लाई का लिंक देखने को मिल जाता है, ठीक है, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, एज लिमिट क्या रखी गई है वो भी यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस दे रखा होता है। तो आर्टिकल की मदद से भी ये बेनिफिट होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप ये वीडियो कई दिनों बाद देख रहे हैं, अगर आपके पास ये सर्च में नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च बार का ऑप्शन जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, ये सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप कर देना है यहाँ पे, ठीक है, DMRC, ठीक है, DMRC यहाँ पे टाइप करोगे और 2023 जरूर लिख देना, 2023। अब जैसे यहाँ पे सर्च करोगे ना लिख करके, तो आप देख सकते हो 8 मई के लिए आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो भी मैंने आपको बताई थी डिटेल्स, वो बेसिक डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना है, और नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेगा ऑप्शंस जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का, ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ऑफलाइन के माध्यम से भरना होगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आपको सारी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है जो कि यहाँ पे आप देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, और ये इंपोर्टेंट डेट्स क्या रखी गई है, ठीक है ना, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है, पे आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, बेनिफिट क्या मिलेंगे, ठीक है ना, ये और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे आपको होगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये आपको आपको देख सकते हो थ्रो स्पीड पोस्ट, ठीक है ना, ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा ये फॉर्म को, और इस वाले एड्रेस पे आपको ये फॉर्म को भेजना होगा, ठीक है, ये इनकी मेल आईडी दे रखी है, आप चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हो कोई जानकारी के लिए,
ठीक है। तो ये एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेजना होगा, और ये जो आपको फॉर्म है, ये फॉर्म को आपको निकलवा लेना किसी भी कंप्यूटर कैफे पर जा करके, ठीक है। ये फॉर्म को आपको निकलवा लेना है, निकलवाने के बाद तभी आपको जो है वो वाले जो मैंने आपको बताया था एड्रेस, उस एड्रेस पे आपको भेजना है सारा कुछ। आपको वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो येस पे क्लिक करना है, नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फॉर्म निकलवा के स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे वो आप देख सकते हो। ये आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने होंगे जो कि यहाँ पे आप साफ साफ यहाँ पे दे रखा है। एंड कोई भी अधिक जानकारी के लिए मुझसे ईमेल के माध्यम से या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बता सकते हैं पूरी डिटेल्स, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दूंगा, वरना जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और ऑल पे क्लिक करके नहीं रखा है, जल्दी से क्लिक करके रखना। अब मैं डेली कोशिश करूंगा 11 बजे तक आपको वीडियो लाने की, ठीक है। और 11 से लेकर शाम सुबह को 11 बजे और शाम को 7 बजे तक, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।